इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्लिपिंग क्या होता है, ठीक है। तो क्लिपिंग को हम यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल के लिए आप समझिए कि यहाँ मुझे गिवन है एक रेक्टेंगल, ठीक है, एक रेक्टेंगल गिवन है, और ये जो रेक्टेंगल है इसको हम बोलेंगे क्लिपिंग विंडो, ठीक है। इस रेक्टेंगल को हम बोलेंगे क्लिपिंग विंडो। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पॉइंट या कोई भी पॉलीगन, ठीक है, जो इस क्लिपिंग विंडो के अंदर है तो वो हमें विजिबल रहेगा, और अगर उसका पोर्शन बाहर लाई कर जाता है क्लिपिंग विंडो के, तो हम क्या करते हैं, हम उस पोर्शन को डिस्कार्ड कर देते हैं, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लिपिंग। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें एक लाइन का, ठीक है, ये एक लाइन है, तो जो पोर्शन लाइन का क्लिपिंग विंडो के अंदर है वो हमें विजिबल रहेगा, और ये जो पोर्शन है बाहर वाला इसको हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। ये अनवांटेड पोर्शन है, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो इसी प्रोसीजर को बोलते हैं क्लिपिंग। अगर हम एग्जांपल है किसी एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पोर्शन अंदर है उसको रखेंगे, और जो बाहर लाई कर रहा है उसको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है ना। इस पोर्शन को डिस्कार्ड कर देंगे, इसी पोर्शन को बोलते हैं क्लिपिंग, इसी प्रोसीजर को बोलते हैं क्लिपिंग, ठीक है। अब आप देखिए, ये जो हमारा क्लिपिंग विंडो है, ठीक है, ये जो हमारी क्लिपिंग विंडो है, इसके देखिए 4 पॉइंट्स है, ठीक है, ये इधर, तो इनकी कुछ एक्स वाइज की वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू क्या होती है हम उसको देखते हैं। देखिए, अगर हम इस क्लिपिंग विंडो को हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पर देखें, ठीक है ना, यहाँ पर होती है एक्स की वैल्यू, यहाँ पर होती है वाई की वैल्यू, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमें एक्स 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 और वाई की क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर मुझे एक्स की वैल्यू मिलेगी मिनिमम, और y की क्या वैल्यू मिलेगी, y की भी वैल्यू मिलेगी मिनिमम, ठीक है। और इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, इस पॉइंट पर हमें मिलेगा x की वैल्यू मैक्सिमम, और यहाँ पर क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिनिमम। इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी मिनिमम, और y की क्या वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम। और इस पॉइंट पर x की वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम, और y की क्या वैल्यू मिलेगी, y की भी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्लिपिंग। अब जो हमारी क्लिपिंग होती है वो वेरियस टाइप की होती है, जैसे कि लाइन क्लिपिंग, पॉइंट क्लिपिंग, या फिर पॉलीगॉन क्लिपिंग, ठीक है। तो हम, ठीक है, वेरियस टाइप की होती है, तो हम पॉइंट क्लिपिंग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये पॉइंट क्लिपिंग को समझने के लिए मैंने यहाँ पर ये क्लिपिंग विंडो को बनाया है, ये सेम इसी तरीके से क्लिपिंग विंडो है, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ले रखी है, और वाई की भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया है, ठीक है, ठीक है। तो अब पॉइंट की क्लिपिंग क्या होती है, पॉइंट की क्लिपिंग को हम बहुत ही सिंपल है पॉइंट की क्लिपिंग। उसमें क्या होगा, हमें कोई भी एक पॉइंट गिवन रहेगा, और उसकी हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को गिवन होगी, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट गिवन होगा और उसके एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन होगी, हमें बस इतना ही चेक करना है कि ये जो एक्स है, पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वो विंडो के एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम के बीच में लाई करना चाहिए, या इनके बराबर होना चाहिए। और जो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, वो वाई की मिनिमम वैल्यू है जो, और वाई की मैक्सिमम वैल्यू है जो, इसके बीच में लाई करना चाहिए, या इनके बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखिए, आप इस कंडीशन से देख सकते हैं कि ये जो एक्स है, देखिए ये जो एक्स है, ये पॉइंट का एक्स है, ये जो एक्स है ये पॉइंट का एक्स है, और ये जो है पॉइंट का वाई है। अगर यहाँ मैं एग्जांपल से देखूँ, एक्स की मिनिमम वैल्यू है 2 और मैक्सिमम वैल्यू है 10, वाई की मिनिमम वैल्यू है 4 और मैक्सिमम वैल्यू है 12, तो एक्स और वाई की जो भी आपको वैल्यू दी होगी, वो आप इस कंडीशन से चेक करोगे, और इसी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट है वो क्लिपिंग विंडो के अंदर है या बाहर है, उसको एक्सेप्ट करना है या डिस्कार्ड करना है, ठीक है। तो यही होती है हमारी क्लिपिंग। और जो लाइन की क्लिपिंग है, पॉलीगन क्लिपिंग है, इसके लिए वेरियस एल्गोरिदम है जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, ओके।